मालवानी एक ऐसी नाट्य कला जिसने छत्तीसगढ़ को एक नई पहचान दी। यूं तो छत्तीसगढ़ राज्य लोक कलाओं से समृद्ध राज्य है। यहाँ की ऐसी बहुत सी लोक कलाएं हैं जिनमें सबसे ज्यादा लोकप्रिय है पंडवानी, जिसका मतलब होता है पांडव वाणी अर्थात पांडव कथा यानी महाभारत की कथा। ये एकल नाट्य कला छत्तीसगढ़ की प्रधान तथा देवार छत्तीसगढ़ की जातियों की गायन परंपरा है। पंडवानी को अंतर्राष्ट्रीय मंच तक पहुंचाने वाली तीजन बाई को मिला है पद्म विभूषण सम्मान। पंडवानी को अलग पहचान दिलाने वाली तीजन बाई कई बार अनेक मौकों पर सम्मानित हो चुकी हैं। 13 वर्ष की उम्र में उन्होंने पहली बार मंच पर प्रदर्शन करना शुरू किया तो फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। एक समय था जब महिला गायिका केवल बैठकर गा सकती थी, जिसे वेदमती शैली कहा जाता है, और पुरुष खड़े होकर कापालिक शैली में गाते थे। लेकिन तीजन बाई ऐसी पहली महिला थी जिन्होंने कापालिक शैली में पंडवानी का प्रदर्शन किया। इस कला ने उन्हें विश्व प्रसिद्ध बना दिया। अब तक फ्रांस, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, लंदन, माल्टा, साइप्रस, ट्यूनीशिया, तुर्की, यूरोप, इटली, यमन, बांग्लादेश, मॉरिशस आदि देशों में वो पंडवानी गा चुकी हैं। साल 1988 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री और साल 2003 में कला के क्षेत्र में पद्म भूषण से अलंकृत की गई तीजन बाई। तीजन बाई को अपनी उपलब्धियों का जरा भी गुरूर नहीं है। तीजन भाई का कहना है कि मैं आज भी गांव की औरत हूँ, दिल में कुछ नहीं, ऊंच नीच, गरीब अमीर कुछ नहीं, मैं सभी से एक जैसे ही मिलती हूँ, बात करती हूँ, बच्चों बूढ़ों के बीच बैठ जाती हूँ। इससे दुनियादारी की कुछ बातें सीखने को मिलती हैं। ऐसे में कोई कुछ कह बोलते तब भी बुरा नहीं लगता। मैं आज भी एक टाइम बोरे बासी यानी रात में पके चावल पानी में डालकर और टमाटर की चटनी खाती हूँ। बात करें अगर पंडवानी की तो अयोध्या शोध संस्थान के निदेशक योगेंद्र प्रताप सिंह बताते हैं, एक समय था जब पंडवानी एक खास समुदाय तक ही सीमित था, लेकिन अब नए लोग भी इससे जुड़ रहे हैं। पंडवानी में माँ कुंती को कहा जाता है माता कोतमा। पंडवानी नाट्य शैली में महाभारत की कहानी का मंचन किया जाता है, लेकिन कुछ बदलाव के साथ। एक और जहाँ महाभारत का नायक अर्जुन है, वहीं पंडवानी का नायक भीम को दिखाया जाता है। भीम ही पांडवों की सभी विपत्तियों से रक्षा करता है। पंडवानी में जिस क्षेत्र को दिखाया गया है वो छत्तीसगढ़ ही है। पांडव जहाँ रहते थे उसे जैत नगरी कहा गया है। एक तारा लेकर सुनाई जाती हैं कहानियाँ। इसमें आंगिक क्रियाओं यानी शरीर के अंगों के साथ भाव लाकर अभिनय करना होता है और साथ साथ गायन भी एक ही व्यक्ति द्वारा एक तारा लेकर किया जाता है। इसमें नृत्यक पांडवों की कथा को वाद्य यंत्रों की धुन पर गाया जाता है। इसके साथ ही उनका अभिनय भी किया जाता है। आज के समय में ये काफी लोकप्रिय नृत्य शैली है और तीजन बाई पंडवानी की विरासत को आगे ले जाने वाली शख्सियत। हमारी वीडियोस को देखने के बाद लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।